बच्चों इस छोटी सी प्रॉब्लम को और देखते हैं। ये छोटी सी जो प्रॉब्लम है इसमें क्या बोला जा रहा है, टू पार्टिकल्स ऑफ ईच ऑफ मास एम एंड स्पीड वी ट्रेवल इन अ अपोजिट डायरेक्शन अलोंग द पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। मतलब दो पैरेलल लाइन होगी जिसमें पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा होगा, उन दोनों का मास सेम है। मास क्या बोला गया, ईच ऑफ मास एम, स्पीड क्या है वो भी सेम है। तो पहले मैं दो पैरेलल लाइन बनाता हूं, देखो एक पैरेलल लाइन ये है और एक पैरेलल लाइन ये है। इस पैरेलल लाइन में एक पार्टिकल है जो ट्रेवल कर रहा है, मैं मान लेता हूं यहां पर एक पार्टिकल है पी वन, इसका मास है एम, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है वी, इधर जा रही है। और एक पार्टिकल आपके पास यहां है जिसका नाम है पी टू, इसका मास है एम, ठीक, और ये ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में। समझ में बात आ गई, जितना क्वेश्चन बोला मैंने उतना कर दिया। टू पार्टिकल सिस्टम, दो पार्टिकल का एक सिस्टम है, दो पार्टिकल का एक सिस्टम है जिसमें दोनों पार्टिकल का मास एम है, दोनों की स्पीड वी है, दोनों ट्रेवल करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में इन पैरेलल लाइन सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। इनके बीच की जो गैपिंग है वो कितनी है, डी डिस्टेंस है, इनके बीच की जो गैपिंग है वो डी डिस्टेंस है। अच्छा आपको करना क्या है, सो दैट वेक्टर एंगुलर मोमेंटम, आपको क्या बताना है, वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम, इज सेम, एंगुलर मोमेंटम टू पार्टिकल सिस्टम का सेम रहता है, व्हाट बी द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। आप एंगुलर मोमेंटम किसी पॉइंट के अबाउट ले लीजिए, एंगुलर मोमेंटम टू पार्टिकल सिस्टम का सेम रहता है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो मैं लिख देता हूं, पहले तो देखो यहां क्या है सॉल्यूशन में, आपको प्रूफ दैट क्या करना है, या सो दैट क्या करना है, सो दैट करना है एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑफ point about which angular momentum is taken, angular momentum is taken। मतलब यहां पे ये बात आपको समझनी है, जिस पॉइंट के अबाउट आप ले रहे हो वो कहीं पर भी लीजिए, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से लीजिए, लेकिन आपका जो एंगुलर मोमेंटम है वो सेम आना चाहिए। वो पॉइंट पे डिपेंड नहीं करना चाहिए कि किस पॉइंट के अबाउट आप एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं, इस बात पे एंगुलर मोमेंटम टू पार्टिकल सिस्टम का डिपेंड नहीं करना चाहिए। आप ऐसी सिचुएशन बिल्डअप करिए, क्या कह रहा है एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, चलिए नहीं आता है मैं बताता हूं। एंगुलर मोमेंटम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो आर क्रॉस पी होता है, मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो आर पी होता है, क्या होता है आर पी। यहां पे क्या करना है, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, ऐसा पॉइंट लीजिए, बस कंडीशन ये है कि इन दोनों की लाइन में नहीं हो। भाई एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का मतलब ये होता है आर और पी, आर क्या होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, किससे पार्टिकल से। तो मैं एक पॉइंट ले लेता हूं यहां पर, इस लाइन में कहीं पर भी ले लेता हूं, देखो ये हमने एक रेफरेंस लाइन ले ली है, इस पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, देखो ये पॉइंट है हमारे पास ओ, इससे इसकी डिस्टेंस मैं मान लेता हूं कितनी है, ये हमारे पास आर, कितनी डिस्टेंस है आर, तो बोलो इस वाले पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आर प्लस डी डिस्टेंस हो जाएगी, किस वाली पार्टिकल की, इस पार्टिकल की, ये पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैं मान लेता हूं पॉजिटिव, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, इसको मैं मान लेता हूं नेगेटिव, ऐसे कर सकता हूं। चलिए अब एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम सिंपल सा क्या कहता है, एंगुलर, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एल इक्वल टू होता है आर पी, आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे एक पार्टिकल सिस्टम लेना है, तो मैं ये लिखूंगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ, मोमेंटम ऑफ
पार्टिकल पी वन एंड पी टू, मुझे एक दो पार्टिकल के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो कैसे लेना है, इसीलिए मैंने ये पॉजिटिव नेगेटिव बनाया है। इस पार्टिकल के लिए क्या होगा, मास इसका इसका मोमेंटम लेना है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। तो इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा, इस पी वन पार्टिकल का, पी वन पार्टिकल का जो मोमेंटम आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा एम वी आएगा, ये मोमेंटम है। इस पार्टिकल का जो मोमेंटम होगा वो क्या आएगा, एम वी होगा, लेकिन ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, यहां पे मैं लिखूंगा L इज इक्वल टू, क्या आएगा L इज इक्वल टू, पहले इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं, क्या आ जाएगा यहां पे आएगा R, R की जगह कितना है R प्लस बी इंटू एम वी, इस पार्टिकल का मोमेंटम। माइनस क्यों लग रहा हूं, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, इस वाले पार्टिकल के लिए R ही डिस्टेंस है, यहां पर ये आ जाएगा एम वी आ गया। चलिए इस पे ब्रेकेट नहीं लगाता हूं, मैं लगाता हूं इस पर, डिस्टेंस पे लगा रहा हूं मैं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है मोमेंटम, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये मोमेंटम है। चलिए यहां क्या आया, यहां से देखो ओपन करो इसको, तो आर एम वी और यहां से आएगा डी एम वी माइनस आर एम वी, तो ये पूरी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी और ये हो जाएगा एम वी डी। ये क्या आ रहा है, जो ये एंगुलर मोमेंटम है टू पार्टिकल सिस्टम का, ये डिपेंड करता है दो पार्टिकल सिस्टम के बीच में सेपरेशन कितना है, इन पार्टिकल का मास कितना है, इन पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा कि पॉइंट कहां पे लिया है, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिया है, उस बात पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें आर कहीं आया ही नहीं। जब आर इसमें नहीं आया तो सिंपली कहा जा सकता है कि ये जो एंगुलर मोमेंटम है वो आर पे डिपेंड नहीं करता। यही मुझे यहां पे शो करना था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम व्हाट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। हेंस मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, हेंस एंगुलर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, टू पार्टिकल सिस्टम इज सेम व्हाट एवर बी द पॉइंट अबाउट विच एंगुलर मोमेंटम इज टेकन। अगर मैं आपको समझाऊं कि मैं यहां पे नहीं ले रहा हूं, मैं एक पॉइंट यहां पे ले रहा हूं, कहां पे ले लूं, इस जगह पे ले लूं, तो ये आर बन जाएगा, ध्यान से सुनना, ये आर बन जाएगा। अगर मेरा कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट यहां पे हो जाए, ओ डैश पे हो जाए, क्या हो जाए, इस जगह पे हो जाए, ओ डैश पे हो जाए। अब मैं इसको मान लूं, इसको मैं मान लेता हूं कितना, इसको मैं मान लेता हूं एक्स, अगर ये एक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स प्लस डी, क्या हो जाएगा एक्स प्लस डी। जब मैं वैल्यू यहां पुट करूंगा एक्स प्लस डी इंटू एम वी, यहां पे हो जाएगा एक्स इंटू एम वी, फिर एक्स एम वी कट जाएगा, बचेगा क्या, फिर वही आ जाएगा डी एम वी आ जाएगा। मतलब मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लूं एंगुलर मोमेंटम टू पार्टिकल सिस्टम का, वो सेम ही रहने वाला है, वो केवल डिपेंड करेगा सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स, उनकी वेलोसिटी पर, उनके मास पर, और किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करेगा। होपफुली समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चंस।